में सोच का क्रिकेट का गेम देखना और किसी का गेम बचाना। अपुन अंडरवर्ल्ड का तेंदुलकर हाइट कम फाइट ज्यादा बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय भाईगिरी। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है हमारे द लॉर्ड टेम्बू हमारे साथ केवल सेमीफाइनल तक ही थे। द प्योर एंटरटेनमेंट बहुमा जिसके दो ही मूड होते थे, एक स्लीपी और दूसरा हॉर्नी। लाइफ में कितनी भी टफ सिचुएशन आ जाए मेरे दोस्तों, अपनी जीप बाहर निकालो और रिलैक्स करो, जस्ट लाइक लॉर्ड टेम्बा बहुमा। पूरी साउथ अफ्रीकन टीम रोने लग गई थी सेमीफाइनल हारने के बाद, एक्सेप्ट बहुमा, क्योंकि यार ऐसे जीप निकाल के रोना कितना अजीब लगेगा। नहीं बड़ा अजीब नहीं है? ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल हुआ, बहुमा ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला लिया, लेकिन ये क्या बैटिंग ली थी तो कर तो लेता भाई, या फिर बॉलिंग ले लेता, अजीब मजाक है। लगता है टेम्बू बहुमा में भी अनन्या पांडे जैसा एक ही टैलेंट है। वेरी नाइस। ओह नो सर। अब यार तुम्हें क्या क्या बताऊं टेम्बू बहुमा के टैलेंट के बारे में, पूरी दिन पूरी रातें निकल जाएंगी। अरे बॉलर्स लोग एक स्टंप लगा के बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं ना, टेम्बा बहुमा भी एक स्टंप से बैटिंग प्रैक्टिस कर लेता है। पर यार बेचारे बहुमा को मानना पड़ेगा यार, सब लोग रो रहे थे, उसने मोटिवेट करना स्टार्ट कर दिया पूरी टीम को। मंजिल को भूला कर जिया तो क्या जिया, अगर तुझ में दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी। भाइयों मार्श के पुराने स्टेटमेंट ने इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है, जहां पर ताऊ ने बोला कि ऑस्ट्रेलिया अनडिफीटेड रहेगी, हम लोग 450 रन्स मारेंगे और इंडियन टीम को 65 पर ऑल आउट कर देंगे। तूने क्या मिक्स किया है पांडुरंग, बता तो क्या पी के आया है। मार्श भाई शायद थोड़े दिन पहले ही इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप मैच हुआ था, चलो टीम ने तो कुछ नहीं किया पर आपने तो जरूर कुछ किया होगा। अरे चलो इतनी पुरानी बातें छोड़ते हैं, अभी अभी सेमीफाइनल हुआ है ताजा ताजा, उसमें आपने जरूर कुछ किया होगा, मस्त धोया होगा साउथ अफ्रीका को। छे क्या मार्श भाई, फिर ये पाकिस्तान वालों जैसे स्टेटमेंट देना कहां से सीख गए, 500 रन्स मार देंगे, 50 पर ऑल आउट कर देंगे, धरती निकल जाएंगे, टेम्बा बहुमा खा जाएंगे। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा, आप जा। ये बात मार्श ने मेरे ख्याल से दो बार बोली है, एक बार डीसी के पॉडकास्ट में बोली थी। Defeating India, Australia 2 for 450 in the final, India all out 65. और एक बार माइकल वॉगन गिलक्रिस्ट के साथ इंटरव्यू में बोली थी। If I could predict the scorecard for the India Australia first World Cup match, and I said Australia 370 and India all out 65. So ये आदमी सोते सोते आपको डक पे आउट कर गया और आप बोल रहे हो इंडिया वाले मेरा सार्कैज़म नहीं समझते। All of the Indian cricket fans and I'm not sure they quite got my sarcasm but मैं निकल तो निकल तो। रोहित की बैटिंग नहीं देखी तूने इस वर्ल्ड कप में, शुरू के 10 ओवर में ही हम लोग मैच खत्म कर देते हैं, पुल शॉट मार मार के, सिक्स मार मार के। शमी भैया मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जवान टूट गई, अब नहीं बोलूंगा भैया। अबे भूतनी के 5 विकेट तो मैं नाश्ते में खा जाता हूँ, तेरा बाप मारेगा 450 रन। वो तो हमें 2003 का बदला लेना तुमसे, जिसमें पॉन्टिंग ने हमें बैट में स्प्रिंग लगा लगा के मारा था। इस बार हम करेंगे चीटिंग और तुम देखोगे, हम बॉल बदल देंगे, हम पिच चेंज कर देंगे, पर तुम्हें फाइनल नहीं जीतने देंगे इस बार। तुम आए नहीं हो फाइनल में, तुम्हें लाया गया। When she says, choke me daddy, साउथ अफ्रीका से बेटर कौन चूक कर सकता है ब्रो, फाइनल्स में तांडव होगा। अरे वाह ऑस्ट्रेलिया, सुना है बैटिंग एक्सपोज हो गई स्पिन के अगेंस्ट, अब तो भाई एक आध स्पिनर और बुला लो, मैं तो कहता हूँ अश्विन अन्ना को भी बुला लो। रोहित शर्मा व्हेन ही रियलाइज दैट ही विल फेस अ येलो जर्सी टीम इन द फाइनल, आईपीएल के जोक्स नहीं मारने का वर्ल्ड कप के फाइनल में। नॉकआउट मैचेस एग्जिस्ट, साउथ अफ्रीका यही हगेंगे हम। लॉर्ड बहुमा सेमीफाइनल में चूक करने का मेरा 10 साल का तजुर्बा है। लॉर्ड बहुमा भाई आपका तो कुछ ज्यादा ही तजुर्बा लग रहा है। Sad for him, I feel sad for him. I feel sad for Bauma. इतना entertainment चले गया भाई। Final में पक्का भरमार memes देके जाते। South Africa अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। South Africa की audience से यार उम्मीद भी कैसे कर सकती है इतना choke करने के बाद कि हम final में भी जाते, जीत भी जाते। जब AB de Villiers नहीं कर पाए तो भाई ये Bauma कहाँ से करेंगे? When you find Quinton de Kock is retiring after scoring 591 runs in the World Cup, आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, आप क्यों
क्विट करना चाहते हैं भाई। सही बात है भाई, इसी के लिए बस दुख हो रहा है क्योंकि इसने पूरी जान लगा दी, लगभग हर मैच में खेला है, बस सेमीफाइनल में ये भी चोक कर गया और टीम भी चोक कर गया। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में छोड़कर जा रहा हूँ। टेम्बे टेम्बा बौमा सेड, आई एम नॉट 100% फिट। देख रहे हो डेडिकेशन भाई साहब, 100% फिट ना होने के बाद भी खेल रहा है, बिल्कुल जीरो रन बना के खेल रहा है। जीरो एटीट्यूड, जीरो टैटू, जीरो फाइट, जीरो ईगो, जीरो जेलेसी, जीरो कंट्रीब्यूशन टू द टीम। टेम्बा बौमा फॉर यू, यू कांट लूज द टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ ओनली वन प्लेयर। टेम्बा बौमा, होल्ड माई बियर ब्रो। वाई सुनील गावस्कर वियरिंग दैट लेडी एंकर पैंट? अबे यार भाई, क्या क्या चीजें नोटिस करते हैं भाई लोग। ओ भाई, ये तो मेरा दिमाग सब जाने नहीं वाला। माय लेग इज सो, डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट इट्स गोना हैव टू बी फाइन। अरे यार, मेरे को लग रहा है टेम्बा भाई आपको मारा गया है रात में ताकि आप मैच ना खेल पाओ नहीं टीममेट्स के द्वारा। साउथ अफ्रीका इन लीग स्टेजेस, साउथ अफ्रीका इन नॉकआउट्स, और ऑस्ट्रेलिया इसका एकदम अपोजिट करती है, जैसे वर्ल्ड कप आता है पागल हो जाती है। खैर यार, बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तबाही मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, और इस भाई को मत भूल जाना है।